Chamber Prasad Nishad. Mani Upasabhapati Mahoday, Mani Mantri Ji, Rashtriya Jalmarg Vidhayak 2015 laaye hain. Main isme bolne ke liye khada hua hoon. Mahoday, sabse pehle jab sadke nahi thi, rail marg nahi the, pul nahi the, us samay सारा व्यापार नदियों से हुआ करता था. लेकिन जैसे जैसे देश विकसित हुआ, नदियों में पुल बन गए, सड़कें हाई मार्ग बन गए, हाईवे बन गए, और रेल मार्गों का विस्तार हुआ, तो ये हमारे जल से यातायात लगातार घटता गया और अब शून्य के बराबर आ गया. दूसरी तरफ व्यवहारिक में देखने को मिल रहा है कि नदियां हर साल अपना किनारा छोड़ देती हैं. एक तरफ कटाव होता है, एक तरफ जो है तो उसका सिल्ट जमा होता है, दिशा परिवर्तित हो जाती है, नदियों में जल नहीं रह गया. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की एक योजना चलाई थी कि जिससे बाढ़ का खतरा खत्म हो सके और नदियों में पानी बना रहे. लेकिन पता नहीं, वो योजना तो अभी तक पूरी नहीं हो पाई. उस योजना में कोई काम शुरू नहीं हो पाया, उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई. और माननीय मंत्री जी ये राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक 2015 लाए हैं, जिसमें हम कहना चाहते हैं खासतौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है, घाघरा नदी है, गोमती है, यमुना है, कुछ नदियां ऐसे हैं कि जहां पे बिल्कुल पानी नहीं है. सूखी नदी में कैसे आप जलयान चलाएंगे? इसके लिए खुदाई के क्या बंदोबस्त होगा और पानी कहां से आएगा? अगर हम ये मान भी लें, क्योंकि जिस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसके कारण जो है नदियों का पानी घट रहा है, वर्षा नहीं हो पा रही है, तो आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जल का संकट उत्पन्न हो गया. पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है, सिंचाई का संकट उत्पन्न हो रहा है. जितनी हमारी पंप नहरें बनी हुई हैं नदियों में, बांध बने हुए हैं, उनके लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है. तो हम लोग कैसे इसको क्या बंदोबस्त करेंगे? और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पीपी मॉडल में या न किसी उसमें विदेशी पार्टियों को ये नदियां अगर उनको दे देंगे, तो महोदय वो जलयान न चला करके वहाँ पे खनन कार्य में लग जाएंगे. कह देंगे हमारा तो यहाँ पर ये नदियाँ तो हमारी हो गई, पट्टा हो गया. दूसरी तरफ जो फिशरमैन कंपनी के लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, जो उसमें मत्स्य पालन का काम करते हैं, मत्स्य आखेट का काम करते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे. वैसे तो देखने मिल रहा है कि जितनी नदियों का पानी, जितने फैक्ट्रियों का पानी है, नदियों में गिर रहा है, जिसके कारण फर्टिलाइजर और तमाम कीटनाशक जो है तत्वों कारण मछलियां मर रही हैं और नदियों में मछलियां बिल्कुल घटती चली जा रही हैं. मछली पानी को फिल्टर करने का काम करती है, स्वच्छ करने का काम कर रही है. आज पूरे देश की नदियों से मछली पालन एकदम खत्म हो जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है. जब आप अपने ये जलयान चलाएंगे, उससे प्रदूषण बढ़ेगा, उससे तो जीव जंतु जितने जल के हैं, मछलियाँ हैं, वो तो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसमें तो पानी की संख्या कम रहती है. समुद्र तो है नहीं कि उसमें अथाह पानी है. तो इन पर ये सब चीज़ें आपको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा. और हम इसके बारे में कहना चाहते हैं, इसमें जल पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी. आपको क्राइम बढ़ेंगे, घटनाएँ बढ़ेंगी. और अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई, जब बाढ़ आई तो वहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए
केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के पास ना तो नाव है, ना तो बोट और ना तो नाव चलाने वाले, तो किसी तरह से कैसे इसके लिए अलग से आपको पहले एक विभाग खोलना पड़ेगा, जल पुलिस की स्थापना करानी पड़ेगी, उसमें जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, जो जन्मजात फिशरमैन हैं, जो नदी में काम करते हैं, समुद्र में काम करते हैं, उनके लिए 50% का आरक्षण देना पड़ेगा, तब जा करके आपकी ये व्यवस्था चल पाएगी। नहीं पता चलेगा कि आपके जहाज डूब रहा है, बचाने वाला कोई नहीं, उस समय कहाँ से आप बचाने वाले लाएंगे, तो इसकी सारी ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। 111 नदियों का जो आपने ये बनाया है, तो इसके लिए हमें तो बड़ा कठिन लगता है कि आप जो बनाएंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं जितनी नदियों का हवाला आपने दिया है, उन नदियों में ज़्यादातर पानी की कमी है। आप एक तरफ जो है हमारे गंगा सफाई मंत्री जी गंगा यमुना सफाई की बात कर रहे हैं, आप अभी फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी बंद नहीं कर पा रहे, और ये दूसरा विधेयक आ गया, गंगा यमुना जितनी नदियों को आपने सफाई के लिए लिया वो हो नहीं पा रहा, तो हमें लगता है कि ये केवल सपना रह जाएगा, क्योंकि गंगा नदी यमुना नदी तब साफ हो सकती हैं जैसे न्यूयॉर्क में हडसन नदी थी, एक समय वो नदी ताल पोखरे बन गई थी, गंदी नदी गंदी नाली बन गई थी, अमेरिका के वहाँ के न्यूयॉर्क के मछुआरों ने मिलकर के सारी सिक्योरिटी की और सारी उसकी जिम्मेदारी ली, उनको लगाया गया, और वो नदी किनारे बोट लेकर के जो उसमें कचरा डालता था या उसमें प्रदूषित पानी छोड़ता था उनकी सारी रखवाली करके उन्हीं के जिम्मे सौंप दिया गया, तो 25-30 साल में आज वो एक बहुत बड़ी नदी बन गई, आज उसमें जलयान चल रहे हैं। उसकी तर्ज में अगर आप यहाँ देश में काम करेंगे, वहाँ से अध्ययन कराइए, तब जा करके इस योजना को आप सफल कर सकते हैं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।